ऋषिकेश की होगी, जहां गंगा नदी के तेज बहाव की वजह से रामझूला पुल के पास पुश्ता टूट गया है, जिसके बाद रामझूला पुल को खतरा बना हुआ है। और ऐसे में पिछले दिनों हुई तेज बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से रामझूला पुल के पास सपोर्टिंग दीवार से लगा हुआ पुश्ता टूटकर गंगा में गिर गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पुल पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये रामझूला पुल आप देख रहे हैं और यहां पर देखिए किस तरीके से जो पुश्ता है वो टूट गया। पुश्ता टूटने की वजह से खतरा बना हुआ है, लेकिन इसको लेकर प्रशासन की नजर बनी है। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल, प्रशासन की तरफ से क्या कार्य किए जा रहे हैं? अंशिका, आपको बताना चाहूंगा कि 8 बजे का समय था जब नीचे के दोनों तरफ के पुश्ते, जहां पर पुल को संभालने वाली सपोर्टिंग वायर होती है वो लगी हुई थी, उसके नीचे के जो गंगा से लगे हुए हिस्से थे वो ढहाकर नीचे गंगा में गिर गए और उसके बाद से पुल पर आवाजाही को पूर्णतः रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन पौड़ी और टिहरी ने आपसी कोऑर्डिनेशन करके एकदम पुल को बंद कर दिया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी को जब इसकी जानकारी देगी तो पीडब्ल्यूडी की एक टीम ने आकर वहां पर देखा और क्योंकि छोटे अधिकारी थे उन्होंने भी पूरी तरह इस पे वो नहीं करा, लेकिन आवाजाही के लिए एक एक करके आदमियों को पुल पे आने जाने दिया जा रहा है। भारी कम संख्या है जो उसको रोक दिया गया है और जो वाहन होते हैं उन पर रोक लगा दी है, क्योंकि पुल के ऊपर दुपहिया वाहन बड़ी मात्रा में चलते हैं, उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और आवाजाही का निर्णय अभी देहरादून से टीम आएगी, वो करेगी निरीक्षण करने के बाद कि इस पर आवाजाही करी जाए या नहीं करी जाए। फिलहाल एक एक करके दो दो करके आदमियों को छोड़ा जा रहा है पुल पर। पुश्ता टूटने के पीछे की वजह क्या है अब तक ये सामने निकल कर आ पाई है? क्या इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाना था या फिर ये पुराना हो चुका था, क्या रीजन है? अंशिका, आपको बताना चाहूंगा कि जो 14 अगस्त को पानी आया है वो 2013 के जो पानी आया था उसी लेवल का पानी आया था, उससे लगभग थोड़ा सा ज्यादा पानी आया था। इसके चलते जो सपोर्टिंग दीवारें हैं पुल के आसपास की वो पूरी गंगा से समाई हुई है, गंगा के अंदर ही स्थित थी, तो धीरे धीरे उसने खोखला करना शुरू कर दिया तो उसका एक छोटा सा जो हिस्सा जो ऊपर का प्लास्टर होता है वो पूरा पूरा भरभरा कर गिर गया और मिट्टी का कटान शुरू हो गया। इसकी रिपेयरिंग करेंगे, लेकिन जब रिपेयरिंग होगी तो उससे पहले पानी थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गंगा से लगा हुआ सिरा है इसका। तो अभी पीडब्ल्यूडी की टीम आएगी, वो देखेगी इस पे कि कितना इससे नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है, उसके बाद इस पे निर्णय लिया जाएगा। अभी पूरा जो काम है वो पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण पर निर्भर करता है। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए।